समाचार के विशेष रिपोर्ट में दरभंगा से हैं और जाले विधानसभा है। यहाँ पर बड़े स्तर पर मानव श्रृंखला में महिलाएं पुरुष सभी भाग ले रही हैं। ये 10 बजे से ही सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं और जैसे ही 11:30 बजेगा फिर सभी हाथ में हाथ जोड़कर ये मानव श्रृंखला को सफल बनाने में लगे रहे। लोग यहाँ पे क्यों खड़े यार, कौन कारण से खड़े? लोग यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं, जिसका ये उद्देश्य है कि जन जीवन हरियाली और नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरोधी। आज हमारे भारत में 19 जनवरी 2020 को मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है और हम मुख्यमंत्री का आदेश का पालन करते हुए हम लोग आज जनजीवन हरियाली चाहते हैं और इसका यह कारण है कि हम लोग दहेज प्रथा, बाल विवाह और इस मानव श्रृंखला में जो लोग थे वो तो थे ही शामिल। आंगनबाड़ी की सेविकाएं थी, शिक्षक दिखे, बच्चे दिखे खासकर, और प्रखंड अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जाले प्रखंड अध्यक्ष विपिन पाठक हैं, उनके साथ उनके जो लोग थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उनके समाज थे, वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। खासकर आपको बता दें कि समाज सेवी झा, अविनाश कश्यप, राम गोपाल मांझी, आशीष झा, अजय झा, जन पाठक, आंगनबाड़ी फैसिलेटर भावना पाठक, चुन्नी पाठक, संगीता देवी, आरती देवी, शारिका देवी, नीका देवी, इंदु देवी, रेखा देवी, आशा फैसिलेटर, विभा देवी, बीना देवी, रंजू देवी, अंजू देवी, मतलब ये बड़े स्तर पर महिलाएं शामिल थे जिनका नाम मैं बताया हूँ। खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ शामिल थे और जो लोग, जो युवा वर्ग है, वो भी इस बड़े स्तर से इस मानव श्रृंखला में भाग लिया है। देख सकते हैं सभी लोग मानव श्रृंखला में जो भाग लेने के लिए जा रहे हैं उपस्थित हैं। विशेष कवरेज देख रहे हैं भारत उदय समाचार पर, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ झा, अविनाश कश्यप, राम इकबाल मांझी, वो सभी यहाँ पर लगे हुए हैं। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। देखते रहिए भारत उदय समाचार, राहुल जगजीत के साथ।